हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे अपने मंदिर का मेकओवर, अपने मंदिर का डेकोरेशन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। पहले मेरा मंदिर ऐसा था, ये मंदिर मैं 2 साल पहले लेके आई थी, 1500 रुपये का था। सब कुछ चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है? तो मैं उसी टाइम से सोच रही थी कि इसका मेकओवर करूँगी और मैं वाइट कलर इस पर कर दूँगी, क्योंकि मुझे पसंद था संगमरमर वाला मंदिर। बट वो बहुत भारी होते हैं, जो कि घर में यूज़ लेने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, फिर उनको इधर उधर नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने ये वाला लिया था और सोचा था कि इसको उस टाइप का लुक दे दूँगी, बट कभी कुछ के चलते नहीं हो पा रहा था। तो इस संडे मैंने ठान ली थी की शुरुआत कर ही देंगे। तो संडे वाले दिन आपको पता होगा, मेरा व्लॉग आपने देखा होगा कि मैंने मंदिर का सारा सामान हटाया, ऐसे गीले सूखे कपड़े से पोंछा और फिर हस्बैंड से नीचे रखवाया, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत मेरे लिए भारी है, क्योंकि सर्वाइकल पेन की वजह से मुझे दर्द हो जाता है कभी भी। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल पेंट लिया, ये सामान भी काफ़ी टाइम से रखा था, 2 महीने से, बट वही है कि मैं कर नहीं पा रही थी। आज काम फैला लिया है तो हो ही जाएगा। तो ये 35 रुपये के डब्बे आते हैं छोटे छोटे ऑयल पेंट के, ये वाइट वाला मैंने लिया है। तारपीन का तेल लिया है जो कि 30 से 40 रुपये में ये बॉटल आ जाती है। इससे जो ये कलर होता है, जो होता है ना, वो पतला भी हो जाता है, मतलब कि जो गाढ़ा कलर हो, ठीक है? और इसी से हम अपनी ब्रश वगैरह साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले कलर में डुबोने के बाद ये ब्रश जो है ख़राब हो जाती है, तो इसी वाले तेल से धोना पड़ता है। तो ये ब्रश भी आपको मिल जाएंगी 15, 20, 30 रुपये में, इतने की ही ये आती हैं। तो ये मैंने ले रखी थी एक छोटी और एक बड़ी, तो ये बड़ी वाली मैं यूज़ दूँगी। मैंने जो ऑयल पेंट है वाइट कलर का वो डाल दिया है, साथ ही उसमें तारपीन का तेल डाल दिया है। अब मैं जो है ये मंदिर में कलर करना स्टार्ट कर दूँगी। इस मंदिर जो है उसमें सनमाइका लगी हुई है, तो सिंगल पेंट पे तो होगा नहीं, सिंगल जो ब्रश मारूंगी मैं कोट, तो सिंगल वाला आज मैं करके रख दूंगी, फिर ये सूख जाएगा। संडे वाले दिन मैंने स्टार्ट किया था और इस मंदिर को करते करते मुझे 3 दिन लगे हैं। व्लॉगिंग अभी मैंने नहीं की थी मंडे से, क्योंकि मुझे पेन हो गया था, 2 दिन मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो व्लॉगिंग तो नहीं की, लेकिन ये मंदिर का काम मैं लगातार कर रही थी। तो सिंगल कोट में ये मंदिर जो है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। पहले मैंने सोचा ये ब्रश ना दिखाई दे तो मैं रोलर मंगवा लेती हूँ, फिर मैंने रोलर भी मंगवाया और रोलर से भी मुझे सही नहीं लगा, लेकिन डबल कोट में ब्रश से ही बिल्कुल फिनिशिंग आ चुकी थी, तो रोलर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैंने बिल्कुल छोटा वाला रोलर जो है मंगवाया था। ये देखो अंदर जो है ना डबल कोट हो चुका है, तो और भी अभी करना है, यहाँ पे करना है, अंदर करना है, ऊपर करना है, तो डबल कोट अभी करना है। तो करते हैं दोबारा से कलर। इसमें मेरे जो कलर लगे हैं 35, 35, 70 वाले छोटे डब्बे लगे हैं, दो मतलब 35, 35 के डब्बे, 70 रुपये का जो है कलर लगा है, तारपीन का तेल लगा है, ठीक है? बहुत सस्ते में ये जो मेकओवर हो गया है। और ये जो भगवान की पोशाक का कपड़ा आता है ये भी मेरे पास रखा था, ये 60 रुपये मीटर में आता है। 80 रुपये मीटर वाला भी एक और बढ़िया मिल जाएगा, उससे बढ़िया भी मिल जाएगा 120 रुपये वाला, और ऐसे करके। अब मंदिर को देनी थी मुझे हाइट के पीछे वाले जो भगवान है वो थोड़ा ऊपर रहे, और जो आगे वाली रो है वो आगे वाले रो का जो भगवान है वो रख देने के बाद पीछे वाले भी दिखाई देते रहे। तो मुझे रखनी थी लकड़ी, बट इतनी जल्दी मेरे पास मुमकिन नहीं थी, तो मैं इन डब्बों का यूज़ लूँगी। ये कपड़ा मेरे पास रखा था तो मैंने मंदिर की साइज़ का कट कर लिया है, तो ये बिछाने के जो है काम आ जाएगा, एक आसन हो जाएगा भगवानों का। तो चाहो तो इनके चारों ओर लेस लगा सकते हो और अंदर फोम भी डाल सकते हो। डबल कोट के बाद ये देखिए पूरी फिनिशिंग आ गई है, और ये जो चार ये कोने और है ना, इन पे मैं गोल्डन जो कलर है वो कर दूंगी, उस पर मैं नहीं मिलाऊंगी कुछ भी। तो ये देखिए ये रहा वो गोल्डन पेंट, ये भी कोई 35-40 तक का ही आता है, ये थोड़ा पतला ही था तो मैंने इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं मिलाया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कलर करने से पहले। उसके बाद छोटी वाली ब्रश से मैंने क्या किया, इसमें एक अभी तो सिंगल कोट लगाया है, फिर डबल कोट में कर दूंगी, ये गोल्डन कलर मैंने किया है। अब ये जो कपड़ा था उसको इन बॉक्स पे चिपका लेते हैं। बॉक्स है मेरे हेयर स्ट्रेटनर हो गया, हेयर कर्लर हो गया, उनके हैं, तो इस तरीके से मैं चिपका दूंगी फेविकोल या फेवी बॉन्ड के सहायता से। तो ये जो है वो लकड़ी वाला जो मैं एक सीडी नुमा बनाना चाहती हूँ उसका काम दे देंगे। तो ये फेविकोल मैंने निकाला, फेविकोल भी इतना कम था ना मेरे घर पर, तो फिर मैंने बॉटल कट की और उससे सारा इस तरीके से कर लिया। इसी तरीके से एक मोबाइल कवर पे और लगाया ताकि मंदिर की लंबाई का हो जाए वो
है ना। तो फिर जो है ये कपड़ा था, इससे हम पर्दे वगैरह भी बना सकते हैं, बचा हुआ है तो चाहूँ तो मैं पर्दे भी जो है इसमें बना सकती हूँ। तो मैंने सोचा था ऐसे बीच में से कट करके चारों तरफ जो है लेस लगा के और ऐसे इधर से फोल्ड करके नाड़ा वाला डाल के या जो होती है ढाका डाल के पर्दा बना देंगे। तो इस तरीके से ये सारी तैयारी मैंने की थी। और मंदिर जो है एक ट्रंक के ऊपर मैंने रख रखा है, क्योंकि इसकी जगह नहीं है, घर है छोटा, स्टोर रूम है नहीं, तो इस वजह से। तो बस इसके ऊपर मैंने एक नया कपड़ा बिछाया। अब वाइट तो मंदिर के ऊपर नहीं करते ना, बट एक ट्रंक को ढकने के लिए ही मैंने किया है। तो जो भी ब्लाउज पीस और मेरे पास रखे थे, तो जो ब्लाउज साड़ियों के ब्लाउज मैं नहीं बनवाती हूँ, तो वो वाले रखे थे, बिल्कुल नए नए थे। क्योंकि मैं क्या है, या तो रेडीमेड ले आती हूँ या गोल्डन किसी भी साड़ी में चल जाता है, ऐसे करके कम ही बनवाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये ऑरेंज वाला ब्लाउज पीस बिछा दिया है, ताकि मंदिर के नीचे लाल पीला या ऑरेंज कपड़ा होना चाहिए इसके लिए। और फिर मंदिर को मैंने ऊपर रख दिया है। ये है इकलाई। इकलाई को ऐसे मैं कर रही हूँ जैसे कि हम साड़ी की पटली बांधते हैं ना, तो पटली लेते हैं वैसे कर लेना है। उसके बाद सेफ्टी पिन जो होती है ना, उसको लगा करके इसको सिक्योर कर देंगे। और इसको मैं लगा दूंगी यहाँ पे और एक पंख जैसा ये बन जाएगा। तो अभी तो मेरे पास ये ही अवेलेबल था। ये जो मेकओवर है ये 10-15 या 20 दिन के लिए है, उसके बाद में भी कलर वलर हस्बैंड बोल रहे हैं करवाएंगे, इलू के एग्जाम्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद। मैं और भी ऑनलाइन चीज़ें मैंने देख रखी हैं, सोच के फेस्टिवल की तैयारी मैं कैसे स्टार्ट करने वाली हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके से मैंने अभी तो फिलहाल ये मैंने काम कर दिया है। और मंदिर देखो, फेस्टिवल यूँ भी आ रहे हैं, देखो रक्षाबंधन भी, जन्माष्टमी भी आ रही है, तो फिर मैंने फटाफट से मंदिर को कलर कर दिया है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने त्योहारों की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी है। अब शॉपिंग का भी सारा कुछ कार्ट में डालूंगी, कैसे करूंगी वो सब दूसरी वीडियो में शेयर करूंगी। ये देखो मैंने जो कट किया था, अभी मैंने इसमें लेस नहीं लगाई है, बाद में मैं लेस लगा लूंगी। और फिर ये कपड़े तो आप बदल सकते हो, कभी आप वाइट कलर का मंदिर है तो कुछ भी चल जाएगा। वाइट कलर का भी इसीलिए किया है क्योंकि मुझे संगमरमर वाला पसंद है, लेकिन वो भारी होता है इसलिए मैंने नहीं लिया था। पूछ के आई थी, ऐसा कुछ ज़्यादा वो कॉस्टली नहीं था, ऐसा फिर भी भारी था तो फिर वो काम नहीं देता। शुभ लाभ जो है ये 20 रुपये के आए थे, शुभ और लाभ लिखा हुआ। घर पे भी मैंने कई चीज़ें बना रखी हैं, पिछली दिवाली जो बनाई थी वो सब कुछ भी इसमें मैं यूज़ लूँगी। तो शुभ लाभ लगा दिया। ये राखी जो है, जो पिछले साल की बिल्कुल नई रखी थी, उसको मैंने कट करके चिपका दिया। स्वास्तिक मुझे मिले नहीं है इसलिए मैं बाद में लेके आऊँगी और लगा दूँगी। ये जो है ये मैंने रंगोली बनाई थी, तो फिर गत्ते से बनाई थी और इसको डेकोरेट किया था। उसके पीछे मैं लगा रही हूँ मास्किंग टेप। मास्किंग टेप से लगाने से ना तो मंदिर खराब होगा और ना ही दीवार खराब होती है। तो जो भी चीज़ आप लगाओ, ये गत्ते की हल्की फुल्की या कुछ भी, तो मास्किंग टेप से लगाओ, आपका कलर भी नहीं उखड़ेगा, ये बिल्कुल पक्की हो जाएगी, उतरेगी भी नहीं। तो ये जो रंगोली मैंने ज़मीन पर लगाने वाली बनाई थी, इससे हम दीवार भी सजा सकते हैं। तो वो जो रंगोली मैंने बनाई थी 2 साल पहले, बिल्कुल हाथों से पूरी, ये मेरी मेहनत है। मैं ऐसे काम करती रहती हूँ छोटे मोटे, जब भी दिवाली और आती है ना, तो बस इसको मैंने मंदिर की दीवार पे लगा दिया है एक बार डेकोरेट करने के लिए। तो इस तरीके से इसको मैंने लगा दिया है। मेरे पास कुछ फूल मालाएं रखी हुई हैं, जो कि आती हैं 30-30 रुपये की, एक आती होगी मे बी, या उससे कम की आती है, मुझे नहीं पता है। मैं खूब सारी पिछले साल लाई थी, 7-8 मालाएं आर्टिफिशियल वाली। ये शुभ लाभ जो है आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे 400 या इतने का मिलेगा। ये जो मैंने लगाए, इस उसी का मैंने डुप्लीकेट सा बनाया था, जो कि घर पर बिल्कुल कम दाम में बन गया था। तो ये शुभ लाभ भी मैंने ऊपर रख दिया है। और ये फूल मालाएं जो है मैंने लगा दी हैं, इनको भी मैं मास्किंग टेप से चिपका दूंगी, क्योंकि अभी मेरी सेल्फ एडेसिव हुक्स जो है ना वो मिल नहीं रहे हैं। जब भी मुझे कुछ ज़रूरत होती है ना, तो उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं मिलता। तो अभी तक में कुछ इस तरीके से लुक आया है। अब भगवानों को उनके स्थान पर रख देंगे, क्योंकि 2-3 दिन से भगवान अपने मंदिर के अंदर नहीं है, ऐसे ही मैंने रख दिए थे। तो अब बस भगवान को रखते हैं और स्थापित करते हैं, उसके बाद आपको फाइनल लुक जो है वो बताऊंगी। तो ये देखिए दिखने में कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी लाइटिंग वगैरह भी मुझे प्रॉपर मिल नहीं रही है, मैंने अभी यहीं कहीं रख रखी है, लेकिन वो याद नहीं आ रहा, और वीडियो जल्दी से शेयर करनी थी मुझे आप लोगों के साथ, इसलिए
फटाफट फटाफट मैंने कहा जैसा भी लुक आता है एक बार के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो ये मेरी पूजा की थाली भी मैंने बना रखी है, जो लोटा होता है वो भी बना रखा है, सब कुछ मैंने अपने हाथों से बना रखा है। अब ये जो ड्रॉर है उन पे रख देंगे सामान, ये जो कुछ रोली अक्षतर होते हैं वो है इसमें, जो बत्ती है अगरबत्ती है रुई है ये वाले पे मैं ये रख देती हूँ, और अगला वाला जो होता है ना उसमें मैं जो भी व्रत वगैरह की जो किताबें और होती है ना, और जो ये व्रत त्योहार वाली या सत्यनारायण जी की, और ये इस तरीके से मैं कर देती हूँ। तो इस तरीके से पूरे मंदिर को मैंने सेट कर दिया है। अब आप देख लीजिए फाइनल लुक, और कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा।